स्वागत है आपका मीना की आवाज यूट्यूब चैनल पर। क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में गहलोत के मंत्री परसादी लाल मीना अपने विधानसभा क्षेत्र लालसोट से अपनी सीट बचा पाएंगे? हम आपको बता दें कि परसादी लाल मीना लालसोट से अब तक 6 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन परसादी लाल के लिए 2023 में लालसोट से अपनी सीट बचाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि परसादी लाल मीना के सामने बीजेपी की तरफ से रामबिलास मीना चुनाव लड़ेंगे। रामबिलास मीना लालसोट विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत ही बड़े और दमदार कैंडिडेट हैं। हम आपको बता दें कि 2018 में लालसोट से कांग्रेस के परसादी लाल के सामने बीजेपी के रामबिलास मीना ही मैदान में थे, लेकिन 2018 में समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, इसी वजह से रामबिलास मीना 2018 का चुनाव मात्र 9000 वोटों से हार गए थे। लेकिन 2023 में अगर बीजेपी रामबिलास मीना को टिकट देती है तो फिर परसादी लाल के लिए लालसोट से चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि लालसोट से बीजेपी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना को भी टिकट दे सकती है, और अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना लालसोट से चुनाव लड़े तो फिर परसादी लाल मीना की हार निश्चित है। किरोड़ी लाल के सामने परसादी लाल मीना को हारने से कोई नहीं बचा सकता। हम आपको बता दें कि 2008 तक किरोड़ी लाल मीना और परसादी लाल मीना अच्छे दोस्त थे, लेकिन 2008 के बाद दोनों के रिश्ते बिल्कुल बदल चुके हैं। दरअसल लालसोट विधानसभा क्षेत्र से परसादी लाल मीना 1985 से 2003 तक लगातार 4 बार विधायक बन चुके थे। उसके बाद 2003 में परसादी लाल मीना लालसोट से बीजेपी के वीरेंद्र मीना के सामने चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2008 में कांग्रेस ने लालसोट से परसादी लाल मीना का टिकट काट लिया, जिसके बाद परसादी लाल मीना ने लालसोट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उस वक्त डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना भी बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने भी लालसोट से परसादी लाल मीना को सपोर्ट किया था, और उसका नतीजा ये हुआ कि निर्दलीय परसादी लाल मीना 2008 में लालसोट से एक बार फिर विधायक बन गए। उसके बाद किरोड़ी लाल और परसादी लाल मीना ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके बाद गहलोत सरकार में परसादी लाल मीना और किरोड़ी की पत्नी गोलमा देवी को भी मंत्री बनाया गया। लेकिन किरोड़ी लाल मीना की विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाती है, इसलिए किरोड़ी ने कुछ दिनों बाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर 2009 में दौसा लोकसभा से निर्दलीय सांसद बने। उसके बाद किरोड़ी ने 2013 में अपनी एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम राष्ट्रीय जनता पार्टी यानी राजपा था। नई पार्टी बनाने के बाद किरोड़ी ने परसादी लाल को अपनी पार्टी में शामिल होने को कहा, लेकिन परसादी लाल मीना ने किरोड़ी की राष्ट्रीय जनता पार्टी यानी राजपा में शामिल होने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद 2013 में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने राजपा के टिकट पर लालसोट से परसादी लाल मीना के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, और किरोड़ी ने परसादी लाल को लालसोट से चुनाव हराकर परसादी का घमंड चूर चूर कर दिया। हालांकि 2018 में परसादी लाल मीना एक बार फिर लालसोट से चुनाव जीतकर 6 बार विधायक बन गए, लेकिन 2023 में परसादी लाल का लालसोट से चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से रामबिलास मीना एक दमदार कैंडिडेट सामने होंगे। आपके अनुसार 2023 में लालसोट से परसादी लाल मीना चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।